ग्राम सभा भवानीपुर में है इस समय, जो देवकली ब्लॉक का गांव है। और ये भवानीपुर का एक पूरा है होरिलपुर, जहां पे ये पूर्व में नाली बनाई गई थी प्रधान के द्वारा, और ये जो है उनके ढक्कन की क्वालिटी ये रही कि ये ढक्कन टूट गए। आप देख सकते हैं कि अभी जुमा जुमा कुछ दिन पहले ही ये ढक्कन ढाला गया और ये ढक्कन टूट रहा है। और ऐसी क्वालिटी का निर्माण जब देवकली ब्लॉक में होगा और अधिकारी कान में तेल डाल के सोए रहेंगे, तो समझ सकते हैं कि सरकार की योजनाओं का कितना लाभ ग्रामीणों को मिला है। क्या नाम है आपका? विनोद कुमार राय। राय साहब, ये जो आप नाली दिखा रहे हैं, ये जो पहले का ढक्कन टूटा हुआ, ये कितने दिन तक चला आपके नाली? 5-6 दिन के बाद एक टूट गया, उसी दिन टूट गया जिस दिन ढक्कन रखा। जिस दिन ढक्कन रखा गया उसी दिन टूट गया। इसमें 1-12 का मसाला, 4 छड़, मानक के विरोध काम हुआ, लेकिन पूर्ण ढक्कन नहीं है। जो चाहिए 40-45 ढक्कन, जिसमें 65 ढक्कन है, जिसमें अभी 8-10 ढक्कन कमी पड़ेगी। भाई अभी भी अवरुद्ध है, जो कि गाँव का मेन रास्ता है, सार्वजनिक रास्ता है, पूरे गाँव का फर्स्ट रास्ता यही है, स्कूल से लेके इस पिच तक। और इसको अभी तक जो कि बच्चे गिर जा रहे हैं, साइकिल से गिर रहे हैं, कोई मोटरसाइकिल से नहीं आ पा रहा है, कोई डिलीवरी केस है, कोई विदाई है लड़की का, कोई नहीं, सब अवरुद्ध रुका हुआ है। कई बार संज्ञान में लेने के बाद भी कार्रवाई ने लोग नहीं कर रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इन्होंने कहा कि ये गाँव का प्रमुख मार्ग है, और इस प्रमुख मार्ग की स्थिति ये है कि इस पर ढक्कन जितने चाहिए, इनके कथनानुसार उतने ढक्कन बनाए नहीं गए। अगर ढक्कन पूरा नहीं बनेगा तो फिर किस प्रकार से ये कंप्लीट कार्य माना जाएगा? वीडियो साहब, कहीं ना कहीं कमियां हैं, इन कमियों को जो है आप स्वतः संज्ञान लेकर इन कमियों को दुरुस्त करें। शासन की मंशा है कि आप शासन के मंशा के अनुरूप कार्य करेंगे। आप थोड़ा सा अपने ऑफिस से बाहर आएँ और देवकरी ब्लॉक के तमाम गाँवों का निरीक्षण करें, सर्वेक्षण करें, अपने अधिकारियों को इस बाबत मॉनिटरिंग करें, ताकि ग्रामीणों की समस्याओं का निस्तारण हो सके। अपना परिचय देते हुए बताएं, ये जो नाली बनी हुई है, हाँ। सामने दिख रही है, जुमा जुमा बता रहे हैं लोग, ये भी 4 दिन ही हुआ, हाँ। इसके क्वालिटी के विषय में क्या कहना है? हमारा नाम सोमनाथ गोण है, होरिलपुर के रहने वाले हैं, देवकली ब्लॉक है, सैदपुर तहसील है। नाली पूर्व प्रधान हम रह चुके हैं, बनवाए थे, उसी पर रिपेयरिंग किया गया है, और जो भी किया जा रहा है वो भी टूटा जा रहा है। सामने अधिकारी लोग हैं, उनको दिखा दे, पूरे गांव के आदमी हैं, रास्ता चलने मेन रास्ता है पूरे गांव का, मजबूत रहता तो ठीक है। जैसा कि नाली बंद, गांव में आने जाने के लिए यही मेन रास्ता है, लिंक है सामने जो सब दिख रहे हैं, हाँ, स्कूल से निकलेगा और जाने के लिए उधर यही रास्ता। अरे साहब, हम तो बहुत कहली संगे बनवाउली, 1-12-13 का मसाला डाल के हम का जाने साहब, और कुछ बना उला के चल गई ना ढक्कन, जे उठाव टूट गया है, जे उठाव टूट गया। हम अधिकारी आई, ओके हम दिखा दे, सब रख लिया, आप रख के चल गई ना, कुछ टूट गए, फिर हुआ दिखा साहब, वो ठीक होला कि ना, ये गांव का मेन रास्ता है। कमियां मानते हैं शादी पर, प्रधान की कमियां मानते हैं? हाँ, प्रधान तो हमन के इतना दुख देले हो जो सीमा ना, और पहले शोभू चार न राम सिंह प्रधान रहे, ठीक कही ना, लेकिन ये काम एकदम ठीक। इनका जो सफाई कर्मी हुआ वो एको का कि ना हम एको सफाई कर्मी कब आई बन करते साहब, हम साफ कर रही, फिर कचरा भर गल, फिर हम साफ करब तभी ढक्कन धराई। बताए, मेरा नाम दया शंकर राय, सन ऑफ मार्कंडे राय, ग्राम होरिलपुर, ब्लॉक देवकली, तहसील सैदपुर, जनपद गाजीपुर। ये जो नाली बनी है, लोग आरोप लगा रहे हैं जुम्मा जुम्मा अभी 4 दिन हुआ ढक्कन डाले, टूट रहा है, क्या कहना है आपका? हाँ साहब, इसमें बहुत थर्ड क्लास का जो है सीमेंट बहुत थोड़ा बहुत पड़ा है, और टोटल बालू का बना हुआ है, 2-4 ठेर सीख डालकर किस तरह बना है, पैर रखने पर भी टूट जाता है। इस बाबत अधिकारियों के संज्ञान में मामला कभी डाला गया? प्रधान फिर आए थे, उनको कहा गया था, इसके बाद देख करके फिर नया ये ढलवा रहे, वो भी चीज सही है कि क्या है, आपके सामने है, अरे मेन रास्ता है, हम लोगों का गाड़ी घोड़ा जो है यहाँ से जाता है वहां तक, कहीं जाने लायक नहीं है, बहुत रास्ता वो खराब हो गया एकदम, पहले नाली थी तो बल्कि पटिया से ढका था तो काम चल जाता था,
अब इसमें हाँ अब इसमें तिरपहिया जाएगा, इसमें धस जाएगा, बहुत बड़ा खतरा संगीन होने वाला है। ये नाली जो बन रही है वास्तव में ये बहुत खराब घटिया क्वालिटी का सबका सामान डाला है, सीख बहुत कम है, दो दो सीख डाल करके बना दिए है। आने वाले समय में इससे दुर्घटना भी हो, दुर्घटना तत्काल हो सकती है। आने वाले समय में क्या है, किस समय अभी दो तीन लोग गिरे हैं, टूट गया है, सब देख रहे हैं, नहीं है सब टूटा हुआ जी। कैद मिलती है गांव में भ्रष्टाचार की, कहीं ईटी उपयोग हो रही है तो सेमा ईटा, कहीं सफ़ेद बालू से जोड़ा जा रहा है। ऐसे कई गांव हैं, जैसे भवानीपुर का नाम ले लिया जाए, उसके बाद अभी सरौली का नाम लिया गया, तो आखिर ये किसके दम पे हो रहा है कार्य? नहीं, किसी के दम पे जो आपकी बात है उसमें भवानीपुर में टीमें भेजी गई थी और जिस समय तत्काल आपने या किसी के माध्यम से जानकारी मिली उसमें तत्काल आप टीए और सचिव को भेजा गया था, और जो बालू की बात है उसको हटवा करके बाद में बालू को लाल बालू का यूज कराया गया। सर ईंट काफ़ी जो है कि थर्ड क्वालिटी की ईंटें लगाई गई है, उसमें खेल का मैदान बनाए भवानीपुर ग्राम सभा में सर, तो इसको लेकर सर किस तरह की कार्रवाई आपके द्वारा की जाएगी? इसको तो तत्काल वहाँ पे जेई या टीए को भेज करके देखना पड़ेगा कि क्या स्थिति है। सर अभी हाल ही में वहाँ पे नाली बनवाया गया है और उस पर पटिया रखा गया है सर, जुम्मा जुम्मा अभी 10 दिन हुआ पटिया टूट गया है सर, किस तरह की कार्रवाई की जाए? अभी इसमें जो मुझे संज्ञान में आया है कि वहाँ की पटिया टूटी है, उसमें शायद उन्होंने जल्दबाजी की थी, पटिया ढलवाने के बाद बहुत जल्द वहाँ पे जो सचिव के द्वारा बताया गया कि उसको 1 सप्ताह या 10 दिन के अंदर ही ढाल करके उसको रख दिया गया था, जिसके कारण जो है टूट गए, लेकिन उसके लिए अग्रिम प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है जिसको शीघ्र ही जो है फिर से ढलवा करके।